आप सभी को सादर प्रणाम। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र और वर्तमान में संख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हम भारतीय अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के पावन वर्ष के उपलक्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की संकल्पना भारत लोकतंत्र की जननी इस श्रृंखला के अंतर्गत जनतंत्र की कहानी गण जनपदों के सिक्कों की जुबानी जनतंत्र एज परसिव्ड थ्रू द कॉइन्स ऑफ गण जनपदाज फ्रॉम 400 BCE टू 300 ACE इस विषय पर आयोजित इस व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के अभिभावक विश्वविद्यालय के माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत हूँ इस कार्यक्रम में। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पद्माकर प्रभुड़े सर, सर सह आचार्य हैं सिटी बोरा कॉलेज पुणे में। सर, मैं अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के लिए मैं भारत वंदना हेतु अपने विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के शोधार्थी श्री चंदन कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। श्री चंदन कुमार मिश्र जी। जय तु भारते शुभ्र मुकुट धारके जय तु भारते शुभ्र मुकुट धारके तारा अति सदृशः सकल भुवन शेखरे विबुध वृंद संयुतः क्रांति शांति संकुलः प्रगति मार्ग दर्शकः शत्रु मान मर्दः खल समूह नाशकः चलतु दिग्जये जयतु भारते कुवलय दललोचनः प्रेम भाव नारतः कुवलय दललोचनः प्रेम भाव नारतः भव्य भाव भूषितः गीत वाद्य पूरितः आदिशक्ति रक्षितः शंभु भक्ति भूषितः छल प्रपंच वंचितः सकल बोध संचितः देशभक्ति शोभितः चरतु पूर्वजे जयतु भारते शुभ्र मुकुट धारके जयतु भारते शुभ्र मुकुट धारके।
बहुत बहुत आभार चंद्र मिश्र जी। हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा और हम सभी को प्रेरणा देने वाले विश्वविद्यालय के कुलगीत के प्रस्तुतिकरण हेतु मैं विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम से आग्रह करता हूं, कृपया आप कुलगीत का प्रसारण करें। विश्वविद्यालय धर्म देशों की सीमाएं टूट गई, एक पाँव रख कर दिल को सारा टूट गई, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का बंजर पर हरियाली की चेता प्रतीक साका, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रह विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपो भूमि का तात बने, चिंतन कालाग बने अपने दीपक बाप बने, अंधकार के विरुद्ध है यह महाज्योति प्रज्ञा विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम का आभार। अब मैं माननीय अतिथियों के स्वागत एवं प्रस्ताविकी हेतु राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नृपेंद्र प्रसाद मोदी सर को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर नृपेंद्र प्रसाद मोदी सर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की भारत लोकतंत्र की जननी, संकल्पनाथ राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा जनतंत्र की कहानी गण जनपदों
के सिक्कों की जुबानी विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, आपकी दर्शन जगत में अपनी विशिष्ट लेखन, संवाद शैली, इतिहास बोध तथा सांस्कृतिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध तुलनात्मक दर्शन के क्षेत्र में ख्याति है। विभिन्न विधाओं में सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, ललित निबंध विषयों के पारखी आचार्य शुक्ल हिंदी अंग्रेजी ही नहीं अपितु संस्कृत भाषा में निष्णात हैं। इन्होंने दर्शन शास्त्र सहित मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयक कई विधाओं पर अनेक लेखन कार्य किया। 10 से अधिक पुस्तक तथा 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। आप अखिल भारतीय दर्शन परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आपके कुशल नेतृत्व में इसी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय दर्शन परिषद का 65वां अधिवेशन संपन्न हुआ। पुनः इसी विश्वविद्यालय में दर्शन महासभा का 55वां अधिवेशन अगले माह दिसंबर 22 में होने जा रहा है। साथ ही एशियन दर्शन सम्मेलन का आयोजन भी है। ऐसे यशस्वी कुलपति एवं ओजस्वी वक्ता आचार्य शुक्ल का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर पद्माकर प्रहलाद प्रभु ने एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग ताराचंद बोरा महाविद्यालय सिरूर, सावित्री बाई फूले विश्वविद्यालय पुणे। आप 22 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इंडोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र, इतिहास आदि विषयों से अत्यधिक आपका लगाव है। ब्राह्मणी लिपि, पर्शियन के राष्ट्रीय स्तर पर आपके द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया है। इतिहास विभाग में सर्वोत्कृष्ट पीएचडी शोध प्रबंध के लिए वासुदेव सीताराम बेटे स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 33 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, 4 लघु शोध परियोजना पूर्ण तथा 1 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ ही साथ 3000 से अधिक पुराना सिक्का संग्रह करने का श्रेय आपको जाता है। आपका इस कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल एवं प्रतिकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत रागित एस रागित का स्वागत है। स्वागत है विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज, कोलकाता केंद्र एवं रिद्धपुर केंद्र अमरावती के प्रतिभागियों का, समस्त अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष, केंद्रीय निदेशक, आचार्य उपाचार्य, सहायक आचार्य, अधिकारी, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं सुधीजनों का स्वागत है। स्वागत है प्रीति सागर जी, प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे, प्रोफेसर तजुबान तिवारी, प्रोफेसर अखिलेश कुमार दुबे, प्रोफेसर अवधेश कुमार आगे आदि सभी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका स्वागत है। आज का व्याख्यान केंद्रित है भारत लोकतंत्र की जननी संकल्पना अंतर्गत जनतंत्र की कहानी, गण जनपदों के सिक्कों की जुबानी। भारत जनतंत्र की जननी है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। लोकतंत्र का तात्पर्य बिल्कुल सीधा साधा है, लोक अर्थात जनता और तंत्र अर्थात व्यवस्था, तथा लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का राज। इसे 3 शब्दों से सरलता से जाना जाता है, प्रजातंत्र, जनतंत्र एवं लोकतंत्र। इस प्रकार के रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखकर शासन करती है।
भारत में लोकतंत्र की परंपरा बहुत पुरानी है। ऋग्वेद, अथर्वेद तथा यजुर्वेद कतिपय पदों से और मनुस्मृति, सुकरा नीतिसार, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से इस बात का प्रचुर प्रमाण मिलता है कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र की पद्धति प्रचलित थी। साथ ही प्राचीन भारत में गणराज्यों का अस्तित्व था, यद्यपि समय तथा परिस्थिति के अनुसार। गणराज्यों के संविधान भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे। वैदिक साहित्य में गण के नेता को गणपति कहा जाता था, लेकिन उसे गणस राजा भी संबोधित किया जाता था। गणराज का अर्थ होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शासनाध्यक्ष का चुनाव। वैदिक काल में सभा जैसी लोकप्रिय संस्थाओं का अस्तित्व था, राजा का भी निर्वाचन होता था। महाभारत में गण शब्द का प्रयोग शांति पर्व में स्पष्टतया गणराज्य के लिए किया गया है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि उत्तर वैदिक काल में गणराज्यों की उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में भारत में पाए जाने वाले गणराज्यों का स्वरूप वर्तमान में पाए जाने वाले गणराज्यों से पर्याप्त भिन्न था। उन्होंने प्रजातंत्र तथा गणतंत्र को लगभग एक ही अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया था। ग्रीक विद्वानों के अनुसार सिकंदर के आगमन पूर्व तथा बाद में भारत में अनेक गणराज्य थे। बुद्ध जातकों के अनुसार लिच्छवी संघ में 7,707 राजा थे। संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जियों अथवा संवज्जियों का गणराज्य 8 कुलों जनों का संगठन था, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण लिच्छवी का तथा विदेह राज थे। उसकी राजधानी क्रमशः वैशाली और मिथिला थी। सभी वज्जियों की शासन पद्धति गणतंत्रात्मक थी, परंतु उनका आकार बहुत छोटा होता था। प्राचीन भारत में गणराज्यों के नाम इस प्रकार देखे जा सकते हैं: शाक्य, लिच्छवी, विदेही, वज्जी, अम्बष्ट, कट, मालव, कुनिंद, आग्रेय, अनुर्जार्जन, क्षुद्रक आदि थे हैं। सिक्के पुरातात्विक सामग्री का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों और नगर निगमों ने चालू किया था। ये सिक्के प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अवशेषों में जो मुहरें मिली हैं, उससे भी प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। वैदिक काल के ग्रंथों महाभारत, रामायण, गीता, बुद्ध जातकों, ग्रीक विद्वान चाणक्य, कौटिल्य का शास्त्र गणतंत्र की स्थिति और उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है। राजा के बारे में काफी विस्तार से दायित्व कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत, रामायण, गीता, बुद्ध जातक आदि ग्रंथों मान्यताओं के विचारकों के राय पर यह सर्वविदित है और इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत जनतंत्र की जननी रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यो विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र अभी भारत है। नमस्कार। धन्यवाद मोदी सर, आपका बहुत बहुत आभार। वैदिक काल की सभा समिति जैसी भारत की अपनी राजनीतिक संस्थाओं और अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की भारत में शुरुआत हो चुकी थी।
जो कालचक्र परिवर्तन के हिसाब से थोड़े समय बाद गणराज्यों में प्रस्फुटित हुई, और वही परंपराएं जो भारत की अपनी परंपराएं हैं लोकतंत्र की, बीच में बहुत सारे व्यवधान आए, फिर भी वो अपनी परंपराओं के माध्यम से ही भारत ने अपने लोकतंत्र को ग्रहण किया। और आज भी बहुत सारी तुलना हम करें जो आज का लोकतंत्र है, तो उसी तरह की पद्धति उन गणराज्यों में प्रचलित थी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पद्माकर प्रभुणेश्वर को बहुत ही विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं। सर, आप आए और अपने व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करें। प्रोफेसर पद्माकर प्रभुणेश्वर। गिरिसुता हरयो विभिन्नयो विहरतो नियमार्थो मवंतु वह सरसाया वक भस्म विचित्रता स्त्री पथका पुलिने पद पंक्तयः। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के परम श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर जी, राज्यशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नृपेंद्र प्रसाद मोदी सर, आप प्रकुलगुरु महोदय, आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मैं वैसे बोले तो पहली बार ही या कम बार हिंदी में इस बात पे मैं संभाषण किया हूँ, लेकिन फिर भी मोदी सर ने मुझे यह एक आश्वस्त किया कि आपने हिंदी में ही बात करनी चाहिए, और वो मुझे अर्थात उसका मैं उनका सम्मान रखता हूँ और इस बात पे मेरे विचार रखता हूँ। कैसे है कि अभी मोदी सर ने इसका बहुत अच्छा ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत किया, बहुत ही संक्षिप्त सारांश में उन्होंने बता दिया कि वेद काल से लगभग भगवान बुद्ध के समय तक किस तरह से लोकतंत्र हमारे देश में प्रचलित था, उसमें लोकतंत्रीय जो हमको सभी जगह पे वो था ऐसा मेरा कहना नहीं है। भारत के इतिहास के हर कालखंड में यानी बाद के कालखंड में भी वो उसी तरह से था ऐसा भी कहना नहीं है, क्योंकि बाद में जो जिसको हम किंगशिप कहते हैं, जो राजा नृपसत्ता व्यवस्था जिसको कहते हैं, वो बाद में हमको दिखाई देती है या गणजनपदों के समय पे भी दिखाई देती है। लेकिन ऐसी बात है कि भारत में लोकतंत्र जनतंत्र ये प्रचलित था या नहीं, इसके बारे में बहुत सी चर्चा ये जो विद्वान है, जो इस पे काम करने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों में ये बहुत सी पहले से चर्चा हुई थी। एक बात जाहिर है कि हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था, और जो कोई सत्ताधीश होता है, जो कोई राजा होता है या कोई जिसका जो डायनेस्टी का रूल होता है, तो वो क्या करते हैं, किधर भी होता है, या ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशों ने किया है, लेकिन कौन सा भी जो नृपति रहता है या सत्ताधीश रहता है, वो अपने विचार जो रहते हैं वो प्रस्तुत करते हैं, और अपनी जो यंत्रणा है, अपनी जो संस्था है, अपनी जो राज्य व्यवस्था है, उसको सराहने की वो प्रयत्न हर तरह से करते हैं। और उसके उसमें एक बात बहुत सी महत्वपूर्ण रहती है, वो बात ऐसी है कि उनकी जो सत्ता रहती है, कोई बाहर का हो, यहीं का हो, किधर का भी हो, जो सत्ता प्रस्थापित करना चाहता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो कोई प्रजाजन है, उन्होंने उसको अपनाना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मान्यता देनी चाहिए। और ये मान्यता जो रहती है, ये एक इटालियन तत्वचिंतक ग्रामची नाम के थे, उन्होंने यह सिद्धांत उसको दिया है कि जो मान्यता रहती है, ये मान्यता जो रहती है, ये जबरन नहीं रहती, कोर्शन से नहीं रहती। तो जो मान्यता रहती है वो कंसेंट या आपका जो अनुमति रहती है उससे ही रहती है। उसके लिए ये जो सत्ताधीश रहते हैं, जो सत्ता जिनके हाथ में सत्ता रहती है, वो जो लोग रहते हैं, वो ऐसी कुछ मिथक तैयार करते हैं, ऐसी कुछ अनुश्रुतियां तैयार करते हैं, कहानियां तैयार करते हैं, जिससे उनकी सत्ता को लोग स्वीकार करें। आपने वो पंचतंत्र के नीले सीआर की कहानी सुनी होगी शायद, तो वही लॉजिक, वही तर्क यहाँ पे भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। हम आज जो बोलने वाले हैं, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उसके बारे में मैंने तैयार किया है,
जैसे सर ने अभी बोला कि जनतंत्र का के अपना अपना जो इतिहास है, ऋग्वेद काल से लेके अभी तक का जो इतिहास है, इसमें जनतंत्र प्रचलित था या नहीं, इसके बारे में जो साक्ष्य है, उसके बारे में जो ये सोर्सेस है, तो उनमें सिक्के बहुत सी महत्वपूर्णता रखते हैं। क्योंकि कैसे रहता है कि साहित्य या लिटरेचर जो रहता है उसमें भी इसकी बातें आती है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सिक्के जो रहते हैं, तो सिक्कों की एक दो बातें मैं सिर्फ शुरुआत में बताना चाहूंगा कि सिक्के हमारे पुरातात्विक जो साक्ष्य है उसमें बहुत ही महत्व रखते हैं। हम जिसे असल कहते हैं, ऑथेंटिक कहते हैं, ओरिजिनल कहते हैं, उसमें से एक है। सिक्कों में इंटरपोलेशन नहीं रहता, लिटरेचर में हो सकता है। लिटरेचर जो रहता है, साहित्य जो रहता है, उसके रिसेंशंस रहते हैं, उसके बहुत से, यानी हर काल में वो लिखा जा सकता है, क्योंकि कागज तो इतना चिलटित नहीं रहता, हमेशा के लिए नहीं रहता। तो उसके लिए सिक्का जो रहता है, अभी देखिए गणजनपदों के समय के, भगवान बुद्ध के समय के जो सिक्के ढालित है, वो अभी तक वैसे ही है, उसमें कोई अपना नाम नहीं डाल सकता। ये जो लिटरेचर रहता है, साहित्य रहता है, तो उसमें ऐसे हो सकता है कि उसका नकल जब दूसरे कालखंड में तैयार किया जाता है, अगले काल में तैयार किया जाता है, तब उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दे गेट इंटरपोलेटेड। लेकिन सिक्कों के बारे में जो शिलालेख रहते हैं, स्तंभालेख रहते हैं, जो ताम्रपत्र रहते हैं, उसमें ये बात कभी भी होती नहीं है। उसके लिए सिक्कों का अनन्य साधारण महत्व है, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि सिक्कों का आकार यदि छोटा हो तो भी जो उन्हें प्रसारित करते हैं, जो उन्हें प्रसृत करते हैं, जो ढालते हैं उन्हें, वो लोग उस पे उनको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज या सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है वही उस पे देते हैं। उसमें उनके राजे चिन्ह आ जाते हैं, उसमें उनका नाम आ जाता है कभी कभार, कभी कभार उनके विरुद्ध भी आ जाते हैं, जिसको हम एपिथेट्स कहते हैं, उनके जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले जो एडजेक्टिव रहते हैं वो सिक्कों पे आ जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि सिक्कों पे वो कुछ चिन्ह भी देते हैं उस समय के, उस जमाने के। तो वो हिसाब से उनको जो प्रमाणित और जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि जो लोगों तक जाना चाहिए और जो लोगों को यूजर फ्रेंडली लगे, कि जिसको देख के लोग पहचाने, अरे भाई ये सिक्का ये सत्ता का है। अभी देखिए हम अभी जो सिक्के या नोट्स का उपयोग करते हैं, तो हर समय पे हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ विनिमय करते हैं, उस समय पे हम उनको एकदम बारीकी से नहीं देखते, हम उनको देखते हैं, उनको पहचानते हैं, अरे भाई ये सिक्का इतने इतने वैल्यू का है, उसको दे देते हैं। या नोट का भी उसी तरह से बात है, उतने बारीकी से हम नहीं देखते। तो इसको कहते हैं सिक्कों के न्यूमिस्मेटिक्स जो है, नाणक शास्त्र जो है उसमें इसको कहते हैं यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ द वेरी यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कॉइन। वो सिक्कों का जो मैत्रीपूर्णता रहती है वो पहचानने वालों से, तो ये रहता है कि वो चिन्ह और वो जो उसपे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया होता है। अभी मोदी सर ने बात की ब्राह्मी लिपि की, ये भारत की बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, वायव्य प्रांत में वो खरोष्टी थी, ब्राह्मी जो थी वो बाकी इंडिया में थी, और भारत की लगभग सभी लिपियों की जननी ब्राह्मी है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही सम्राट के पूर्व के ये जो अभिलेख है वो भी अभी मिलने लगे हैं। और एक तो बेट द्वारका में इंस्क्रिप्शन मिला है, अभिलेख मिला है, अभ्यासकों के मत से उस पे अभी काम चल रहा है, वो तो ईसा के पूर्व 1400 साल का है, इतना पुराना है। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति जो है उसके का ये कड़ी है निकली, उसमें मिला जोड़ने वाली एक कड़ी अब हाल ही में मिली है। प्रोफेसर बी एन मुखर्जी कोलकाता के बहुत बड़े पुराभिलेखविद है, वो उस पे काम करें। तो इस कॉइन्स के बारे में इतना कहने से मैं अभी ये मेरा जो स्मॉल प्रेजेंटेशन है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। गिव मी अ मिनट। विजय कुमार सिंह सर, ये दिख रहा है आपको? जी सर, दिख रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं जरा बीच में ऐसे थोड़ा सा पूछूंगा, क्योंकि क्या रहता है गूगल मीट में कभी कभार वो ठीक से दिखता नहीं है या स्लाइड रोल आउट नहीं होते, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये दिख रहा है आपको?
जी सर, जस्ट अ मिनट, एक मिनट सिर्फ। तो ये जो बात है, मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, आपके जो सब महानुभाव लोग हैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मेरा जो इसका जो प्रपत्र है वो अंग्रेजी में है, जनतंत्र एज परसीव्ड थ्रू द कॉइंस ऑफ गण जनपदास, ऐसा है, लेकिन उसका बहुत ही बढ़िया हिंदी अनुवाद आपने मुझे दिया है, जनतंत्र की कहानी गण जनपदों के सिक्कों की जुबानी, बहुत ही बढ़िया। इसके साथ मैं ये शुरुआत ये बात की करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये इसकी एक थोड़ी सी एक रूपरेखा है कि हमारा जो देश है इसमें लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2800 साल पहले से सिक्कों की एक परंपरा है। और ये परंपरा जो सिक्कों की हमारे यहाँ पे है, हमारे देश में है, ये अनइंटरप्टेड है, उसमें कभी भी बीच में कुछ उसमें अखंडता है, कभी भी जो फ्लो है उसका वो कभी टूटा हुआ नहीं है। अनइंटरप्टेड ट्रेडिशन ऑफ मेटालिक कॉइन मनी हमारे देश में है। सबसे पुराने सिक्के, मैं आपको थोड़े से उसमें तो दो तीन दिखाऊंगा, सबसे पुराने सिक्के हमारे देश में जो ढालित हुए उनको आहत सिक्के कहते हैं, और उनको अंग्रेजी में पंचमार्ट कॉइन्स कहते हैं। तो ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम सिक्कों में से है। नासिक के पास, अंजनेरी के पास एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसका पहले नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन न्यूमिस्मेटिक स्टडीज, नाणक शास्त्र के बारे में था, अभी उसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो वहां पे पितामह, नाणक शास्त्र के पितामह जिनको कहते हैं हम, परमेश्वरीलाल गुप्त सर थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करने का मैं सौभाग्य रखता हूँ। तो गुप्ता जी का कहना था कि उन्होंने बड़ा इस पे रिसर्च किया, उनका इस पे था, और पूरे विश्व में परमेश्वरीलाल गुप्त ये बहुत बड़े जाने माने स्कॉलर माने जाते हैं। अभी दुर्भाग्यवश वो नहीं है, लेकिन सर जो थे, पीएल गुप्ता जी जो थे, उनका कहना तो ये था, उनके अनुसंधान का, कि भारत की परंपरा 8वीं शताब्दी ईसा के पूर्व भी जा सकती है। उन्होंने उस पर एक रिसर्च भी किया था, थोड़ा वो थोड़ा आधा रह गया। अभी देखिए कि जनपद जो है हमारे यहाँ, अभी सर ने उसका बहुत अच्छा विवरण किया, मोदी सर ने उसका बहुत अच्छा विवरण किया कि हमारे जो यहाँ पे जनपद थे, गण जनपद थे, वो रिपब्लिक्स थे, उन्होंने उनमें जनतंत्र था, राजा भी था कोई जगह पे, लेकिन वो राजा को भी चयन किया जाता था, उसको हम देखेंगे बाद में, दो तीन स्लाइड के बाद में उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। मैं एकदम कुछ सिंपल से डेफिनेशंस भी रखता हूँ, कुछ आपको एकदम वो ये क्या बता रहे ऐसे लगे तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जनपद जो है तो लोगों ने जहां पे पाव रखा, जैसे इस तरह से जहां पे बस्ती कहते हैं, बस्ती कहते हैं छोटी हो या बड़ी हो, उसमें से नगर निर्माण हुए, तो ऋग्वेद समय में जो लोकसत्ता जनतंत्र का जो पहला पहलू था ऋग्वेद में हमको दिखता है, तो वो जमात केंद्रित राज्य का दिखता है। वहां पे जो ट्राइबल्स थे या जमात थे हमारे यहाँ के, तो उनके ग्रुप्स हमको ऋग्वेद काल में दिखते हैं, और उस वैदिक पीरियड जो उत्तर वैदिक कालखंड हम जिसको कहते हैं, या उसको यजुर्वेद का कालखंड या ब्राह्मण ग्रंथ का कालखंड कह सकते हैं, उसके बाद का भी उपनिषद और आरण्यक का जो कालखंड है, तो वो सभी कंटिन्यूस कालखंड में हमको ये दिखता है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे जनपद थे, और उनका उनका जो वर्णन है वो भी समकालीन साहित्य में हमको देखने को मिलता है। लेकिन ईसा के पूर्व सातवीं छठी शताब्दी इन जनपदों का रूपांतर महाजनपदों में हुआ। अभी सभी को ये ज्ञात है कि जनपद से महाजनपद अर्थात में बड़ा होना चाहिए, तो ये जो महाजनपद थे, हमको बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, वैदिक साहित्य है, ये तीनों साहित्य में इसके प्रमाण मिलते हैं कि ईसा के पूर्व सातवीं और छठी शताब्दी में हमारे यहाँ 16 महाजनपद थे, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पर से गांधार को लेके, काम्बोज को लेके, यहाँ पे चंपा जो पूर्व बिहार में आता था, और ऊपर से लेके दक्षिण में अशमक जो जहाँ पे अभी सब बैठे हैं विदर्भ में, उसको बुद्धिस्ट लिटरेचर में या जैन लिटरेचर में अशक कहा गया है, अशमक कहा गया है। अश्म बोले तो दगड़ या स्टोन,
तो स्टोन्स का जो अश्मक, हमारा पथरीला परिसर है सब, इसके बहाने उसको अश्मक कहा होगा शायद। तो अश्मक की राजधानी जो बोली है वो पोतन या बैठन बोली है, तो वो अपने स्कॉलर्स के हिसाब से पैठन भी हो सकती है। लेकिन विदर्भ का जो परिसर है या औरंगाबाद का, यानी नागपुर से लेके औरंगाबाद तक का जो सब एरिया आ जाता है, परिसर आ जाता है, तो उसको उस समय पे अश्मक महाजनपद कहा जाता है। और ये सभी जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, शूरसेन था, पांचाल था, कौशाम्बी था, वत्स था, बहुत से थे। तो ये महाजनपदों में उनकी राजधानियां जो थी, तो वो बड़े व्यापारी केंद्र थे उस समय के। उसका जो लोहतंत्र जो रहता है, या हम जिसको बोल देंगे कि चीजें आने के बाद में थोड़ा सा बदलाव वो महाजनपद उन्होंने में आ गया, क्योंकि वहां पे जो व्यापारी नगर तैयार हुए उन्होंने में सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले हुआ, और उसका हमको साक्ष्य सभी समकालीन साहित्य में हमको उस तरह से मिलता है। तो ये महाजनपदों के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके इनके जो सिक्के है, महाजनपदों के भी सिक्के है, लेकिन उनपे महाजनपदों के नाम नहीं, तो वो जिस परिसर में पाए जाते हैं उसके आधार पे उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनका चयन किया गया है कि ये सिक्का इस महाजनपद का है। इसके लिए उसके बारे में हम अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो भी हमारे इतिहास का एक बड़ा साक्ष्य है, लेकिन उनपे महाजनपद ऐसे नहीं लिखा है या उनका नाम नहीं लिखा है, उनके सिर्फ चिन्ह रहते हैं। लेकिन जो अपनी जो नदियों की व्यवस्था है उस पर से स्कॉलर्स ने उसको डिवाइड किया है। यानी आप देखिए, हम मराठी में जिसको खोरो कहते हैं या वैली कहते हैं अंग्रेजी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले इंडस वैली में इसके पुरातात्विक स्थल मिले हैं, बाद में हड़प्पा मिला है, बाद में सब अदर मिले हैं, तो बाद में उसको अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं कहते, अभी उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। लेकिन जो रिवराइन सिस्टम रहता है, तो रिवर्स के जो बेसा है उसमें, बेसिन में जो सिक्के मिलते हैं उस पर से इनको तय किया गया है। गणराज्यों की बात है, काशी प्रसाद जायसवाल हो, एस आळतेकर हो, महामनीषी वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो, ये लोगों ने इस पे बहुत बड़ा काम किया है। और उनका कहना है कि ट्रस्टी किंगशिप थी, वहां पे राजा थे, लेकिन राजा का डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, ठेठ लोकशाही जिसको कहते हैं हम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से उसका चयन होता था। एक उदाहरण के बेस पे ऐसे बोल सकते हैं कि एक बड़े मैदान में जिसको राजा बनना है वो आगे आके अपना खुद का ब्यौरा देता था, और मैं राजा पद के लिए क्यों अच्छा हूँ, क्यों योग्य हूँ, वो सबके सामने बोलता था, और उसका ठेठ चयन होता, डायरेक्टली उसको चयनित करते थे, उसको मान्यता देते थे कि ये भाई अपना अभी इसको राजा करके ये करेंगे। मैं यहाँ पे शिरूर में हूँ, पुना के पास में, तो यहाँ पे अन्ना हजारे जी है, आपने उनका नाम सुना होगा, ज्येष्ठ गांधीवादी वो कार्यकर्ता है, बहुत ही बड़े महानुभाव है। तो अन्ना का कहना क्या है कि आप देखिए, मैं उनका क्यों रेफरेंस यहाँ पे ले रहा हूँ ये भी आप देखिए, उनका कहना है कि हम लोक प्रतिनिधियों को भेजते हैं, यदि सब लोगों को ऐसे लगा कि एक लोक प्रतिनिधि अच्छे काम नहीं कर रहा है, तो राइट टू रिकॉल, उनको पीछे बुलाने का भी कुछ सिस्टम चाहिए। उस तरह का सिस्टम ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में उस समय पे था, तो वो राजा को वो उसका पद खारिज भी कर सकते थे, उसको कैंसिल भी कर सकते थे, ऐसी बात है। तो ये जो गणराज्य थे, रिपब्लिक्स थे, एक बात ऐसी है कि अभी सर ने बोला कि ग्रीक जो स्कॉलर्स है तो उनके हिसाब से, यानी उनका जो राइटिंग्स है, उनका जो लेखन उन्होंने किया है, क्विंट्स कर्टियस है, स्ट्रैबो है, कॉस्मोस इंडिकोप्लेट्स है, बहुत से लोग है, तो उसमें ये लोग क्या लिखते हैं कि अलेक्जेंडर के आने से पहले भी यहाँ पे गणजनपद थे। ऐसी बात नहीं है कि ये गणजनपद अभी कैसे हुआ कि कुछ स्कॉलर ऐसे कहने लगे, उस समय के ब्रिटिशर्स थे और उनके संबंध रखने वाले थे, तो उन्होंने ये कहा कि अलेक्जेंडर के आने के बाद में ये लोग सीखे कि रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। जनपद का अस्तित्व हमारे देश ही पुराना है, बहुत ही ऋग्वेद काल से वो आता हमको दिखता है, और अलेक्जेंडर खुद आके बोलता है, उसके इतिहासकार बोलते हैं कि हमारा जो झगड़ा हुआ, हमारा जो कहीं जगह पे लड़ाई हुआ, तो गणजनपद, तो ये तो बात उससे सिद्ध है कि ये गणजनपद उससे पहले थे। डंडामिस जैसे जो हमारे
दार्शनिक थे उनसे भी अलेक्जेंडर मिले, तो ये बातें सब ग्रीक ही लिख रहे हैं, भारतीयों ने लिखने की। तो इसमें गण जनपद उससे बहुत से पहले से थे, ये बात हमको इस पर से पता चलती है। अभी सिक्कों पे, सिक्कों के साक्ष्य से हमको तीन तरह के जनपद दिखते हैं, जनपदों के सिक्के दिखते हैं। तो एक दिखता है जनपद, अभी पुराने जो स्कॉलर्स है उन्होंने उसको ट्राइबल स्टेट्स कहा है, ऐसे कहने का भी एक्चुअली अभी ये ट्राइबल, अभी के जो स्कॉलर्स है वो ट्राइबल वर्ड मानते नहीं है, ये सभी पूरे के पूरे ट्राइब्स नहीं थे, अलग अलग ट्राइब्स नहीं थे। हाँ, कहीं जगह पे वो जरूर उनकी टोलियां रहती थी, उनकी ट्राइब्स रहती थी, उनकी जमात जो है वो रहती थी, लेकिन सभी जगह पे ऐसे इस तरह से नहीं है। इसके लिए अभी नए साक्ष्य से ये प्रमाणित हुआ है कि उनको सिर्फ जनपद कहते हैं या गण जनपद भी कहते हैं। दूसरा उसमें एक प्रकार सिक्कों के बेस पे आ जाता है, उसको हम पौर जनपद या सिटी स्टेट कह सकते हैं, उसको नगर जनपद भी कह सकते हैं, इसके बारे में हम बोलेंगे। और एक तीसरा उसमें प्रकार है, उसको निगम कहते हैं। निगम का तो अभी हम नहीं सोचेंगे, के ऊपर दोनों का सोचेंगे। अभी ये एक जीआईएस मैप मैंने कॉइन्स के बेस पे तैयार किया है कि कौन से कॉइन्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, सिक्के कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो उसके बेस पे। क्योंकि कैसे रहता है कि अलेक्जेंडर के आने के बाद, सिकंदर के आने के बाद से कोई जो ये जनपद वो माइग्रेट हो, स्थलांतरित हो गए, लेकिन उनका व्यवस्था उसी तरह का रहा, तो उनके दो तरह के सिक्के मिलते हैं। अभी पाकिस्तान का एरिया जो हमारे भारत का एक भाग था उस समय पे, उसमें कुछ मिलते हैं, कुछ हमारे इसमें भी मिलते हैं। अभी उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये जो मालव थे, अभी हमको मालव मालवा कहते हैं मध्य प्रदेश में, तो मालवा में ये मालव लोग सातवाहनों के समय पे रहते थे। सातवाहन हमारे जो दक्कन में लगभग ईसा के पूर्व पहली शताब्दी से लेके दूसरी शताब्दी तक, उस समय पे ये मालव को दिखते हैं, उनके सिक्के भी मिलते हैं। लेकिन ये मालव वंस अपॉन अ टाइम दे वेर रूलिंग एट पाकिस्तान, वो एरिया में थे, और अलेक्जेंडर के साथ में जो ग्रीक आए थे, यानी उनके जो दरबार के जो तवारीख नवीस तरह के लेखक जो थे, तो वो लिखते हैं कि मल्लोई, MALLOI, मल्लोई, इस तरह के मालव गण जनपद का अस्तित्व पाकिस्तान में उस समय पे रहा है। इस तरह से पाकिस्तान यानी उस समय का वो एरिया, अभी का पाकिस्तान। तो ये बात हमको ये बताती है कि ये भी थे कुछ कुछ जगह पे। लेकिन मैंने क्या किया है कि सिक्कों के बेस पे ये जीआईएस मैप तैयार किया है, और ये सिक्के हमको ये बताते हैं कि ये लोग एग्जैक्टली कहाँ पे थे। इस तरह से हम ये इनके बारे में बोल सकते हैं। आप देखिए कि ऊपरी इस्लामाबाद के पास में अश्वक थे, तक्षशिला के पास में अश्वक लोग यहाँ पे थे, उनका अश्व से जरूर कुछ संबंध था। दूसरे कुलूत नाम से थे, सर ने अभी मोदी सर ने एक लिस्ट बताई ये जनपदों की, सर ने जो बताई वो 16 महाजनपद के समय के लोग हैं। मैं जो बता रहा हूँ ये ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी से लेके ईसा की तीसरी शताब्दी के लोग हैं। अभी कड़ा है, यौधेय है, इनके बारे में हम बोलेंगे, राजन्य है, कौशाम्बी ये नगर जनपद था, मालव लोग है, विदिशा है नगर जनपद, उज्जैन है, आपके यहाँ पे भद्रावती का नगर जनपद था, विदर्भ में भद्रावती का था, यहाँ भरूकच्छ का था, भड़ोच का था, उसका सिक्का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तगर देर के पास, उस्मानाबाद जिला जो है सोलापुर के पास में, तो वहां पे तगर था, उज्जैन है, यहाँ पे कर्कवृत्त जाता है, आप सभी को मालूम है। तो ये सभी सिक्के ये जो जगह पर मिलते हैं उनकी कुछ विशिष्टताएं थे, है? तो हम उनके बारे में देखेंगे। अभी एक छोटा सा लिस्ट है, अब देखिए, तो ये अश्वक थे, कड़ा का ये एक्चुअली काड़ चाहिए, कड़ा हो गया है, काड़ थे, पुरु या पौरव थे, जो और अलेक्जेंडर से जिसने बड़ी लड़ाई की वो पुरु जिसको कहते हैं, उसके ये वंशज है। देन राजन्य है हरियाणा का परिसर में, त्रिगर्थ है, वेमकी है, औदुम्बर कांगड़ा वैली में औदुम्बर लोग थे, कुनिंद थे हिमालय के, हमारे जो साइड है हिमालय एरिया, तो कुनिंद थे वहां पे, तो वृष्णि है पंजाब, जो भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज है या जो क्लैन बोलते हैं उनका, वो वृष्णि है। शिबि है राजस्थान में, हमने शिबि राजा की कथा सुनी है पुराणों में, अर्जुन अयन शूद्रक मालव, ये सभी लोग जो है ये सभी गण जनपद यहाँ पे राज कर रहे थे। उनमें से कुछ जनपदों के बारे में हम सोचेंगे।
अभी देखिए, जनपद सिक्के से पहले भारत के प्राचीनतम ज्ञात सिक्के, अभी ज्ञात बोलने की वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन इनके पहले कुछ मिलेगा ऐसे लगता नहीं अभी तो, लेकिन ये जो सिक्के हैं इनको अंग्रेजी में पंचमार्क कॉइंस कहते हैं। तो ये सिक्कों पे सिर्फ चिन्ह आते हैं, ये सिक्कों पे बाकी कुछ आता नहीं, कुछ स्क्रिप्ट नहीं आता, उसको लीजेंड नहीं आता, कुछ लिपियों में उस पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं आता, सिर्फ उसके चिन्ह है, क्योंकि ये एकदम आदिम सिक्के है। तो ईसा के पूर्व छठी शताब्दी में थे वो, ईसा के पूर्व 200 में लगभग उनका प्रचलन रहा है, उसके बाद भी रहा है, लेकिन उस समय तक वो ज्यादा प्रचलित रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे पुराना सिक्का भारतीय उपखंड में मिलने वाला, इसको वक्रपट्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ चिन्ह है, ये दो जगह पे आपको चिन्ह दिखाई देंगे, सिर्फ दो चिन्ह है यहाँ। ये आपके विदर्भ जनपद का सिक्का, मैं जो आहत के बारे में बोल रहा हूँ, पंचमार्क कॉइंस, गण जनपदों के जो सिक्के हैं हम जिसके बारे में बोलेंगे ना, उसके पहले का है ये लगभग 34 शताब्दी ईसा के पूर्व विदर्भ में जो जनपद था उसके बहुत ही बढ़िया सिक्के इस तरह से मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो समय पे जो राजा या जो व्यवस्था थी उनका कुछ नाम इनपे नहीं आता, इनपे सिर्फ चिन्ह आते हैं, लेकिन ये सिक्के हमेशा उसी परिसर में उसी एरिया में मिलते हैं, वही सिर्फ जो जिसको प्रोविनेंस कहते हैं उसी प्रोविनेंस में इस तरह के सिक्के मिलते हैं। ये विदर्भ जनपद का सिक्का है, ये भी विदर्भ जनपद का सिक्का है। आपको एक बात ध्यान में आई होगी, ये जो हाथी दिखाया यहाँ पे, हाथी दिखाया एक ये पत्ता जैसा डिजाइन है, ये दो डिजाइन से, तो ये कॉमन है इसपे, इसमें भी उस तरह का डिजाइन ये बदल गया, पत्ते का बदल गया, लेकिन हाथी तो से। तो ये जो सिक्के है, ये सब सिक्के आपका पौनी से लेके लगभग बुलढाणा तक का जो एरिया है सब, नागपुर का है, कृष्णवेणा रिवर का है, ये सब एरिया में, पुसद भी उसमें कभी कभार आ जाता है, ये सब परिसर में ये सिक्के खास तौर पे मिलते हैं, और वहीं पे सिर्फ मिलते हैं, पूरे भारतवर्ष में या भारतीय उपखंड में सिर्फ वहीं पे ये सिक्के मिलते हैं, और ये बड़ी तादाद में कभी कभार भी मिल जाते हैं। इसके बेस पे और स्टडी के बेस पे इनको विदर्भ जनपद का सिक्का बोल दिया गया है, और ये है भी उसी तरह से, ये 16 महाजनपद जो थे उनके सिक्के भी अभी उनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो अभी हम देखेंगे भारत के गण जनपदों के सिक्के जिन पे खुद लिखा है कि ये सिक्का किसका है, उसका नाम लिखा है, ब्राह्मी लिपि में लिखा है, खरोष्ठी लिपि में लिखा है, तो वो अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ईसा के पूर्व 400 से लेके ईसा के शताब्दी तब तक के। अभी ये तक्षशिला जो है, यहाँ स्थानीय सिक्के हैं, और ये सिक्के आपको ऐसे दिखेगा कि इस पे तो कोई लिपि का अंश नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्वस्तिक है, और ये जो इसको क्या कहेंगे हम कि ये जो पैंथर जो कहते हैं हम जिसको अंग्रेजी में, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक शेर का एक प्रकार, और हाथी यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ इस तरह के सिक्के हमको तक्षशिला में यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन इसके समकालीन साक्ष्य बताते हैं कि तक्षशिला के यहाँ पे कपिशा नाम से एक नगर था, वो परिसर में बहुत से उसका राज्य उस परिसर में चलता था, वो नगर जनपद था, तो वो तक्षशिला वहां पे हमको इस तरह के सिक्के, बहुत ही पुराने सिक्के हैं ये, इस तरह से हमको दिखाई देते हैं। अभी देखिए, हमने बेमकी के बारे में बोले थे, इसपे भी एक बैल और एक हाथी का दिखता है, इसपे दिखता है, ये ब्राह्मी लिपि में लेख है। अभी इसपे महादेवस ऐसा कुछ कभी कभार आ जाता है, ये बेमकी का एक राजा भी था, लेकिन यदि वहां पे राजा हो तब भी ये लोगों के पास में एक जनतंत्र की व्यवस्था थी, राजा को ट्रस्टीशिप विश्वस्त के रूप में वहां पे वे रहते थे। अभी जैसे देखिए, आपकी आपके यहाँ सम्माननीय आदरणीय परम श्रद्धेय कुलपति जी है, तो सब देख रहे, सब डिपार्टमेंट्स का वो काम देख रहे हैं और सबको डायरेक्शंस दे रहे हैं, इस तरह से वो व्यवस्था थी। अब देखिए, ये बहुत ही दुर्लभ सिक्का है, ये बहुत कम मिले है, ये सिक्का चांदी का है, और भगवान श्री कृष्ण जो थे उनका जो वृष्णि कुल था उसका ये सिक्का है। यानी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण जब थे उनके समय का ये है, ऐसे मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये ईसा के पूर्व का सिक्का है। ये सिक्के पे जो चिन्ह है उसका अर्थ अभी तक किसी को
पूरी तरह से डिसाइफर नहीं हुआ है। आप देखिए यहाँ एक यज्ञ के युग की तरह ये सीधा ऐसा लाइन यहाँ पे है युग, तो इसमें एक बाजू में हाथी का आधा, हाथी का जो सिर है गंडस्थल है वो दिखाई दिया गया है, और यहाँ पे सिंह का ये आधी आकृति है। इसको सिंक्रेटिस्टिक आइकॉन कहते हैं, इसका कुछ प्रतिमात्मक मूल्य है ये दोनों का। अभी लोग ऐसे कह सकते हैं कि सिंह और हाथी जो शक्ति के प्रतीक है उसमें कुछ मजा नहीं है ये बात कहने में, ठीक है वो है, लेकिन वो स्पेसिफिकली किया वो अभी उस पर अनुसंधान चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग हैं ये इस पे अपने सिक्के पे वृष्णि राजन्य गणस्य ऐसे लिखते हैं, उसका प्राकृत भावार्थ भी कभी कभार आ जाता है, यहाँ पे खरोष्ठी में लिखा है। तो स्पष्टता से स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि हमारा जो है ये राज्यतंत्र नहीं है तो हमारा गण जनपद है, वृष्णि राजन्य गणस्य। अभी देखिए ब्राह्मी से परिचित हो उनको गण स यहाँ पे दिख्य दिखाई देगा, गणस्य वृष्णि राजन्य यहाँ पे राजन्य य है, ये जो यय में जो प्राकृत में य आता है ज्ञ नहीं है, तज्ञ में से ज्ञ नहीं है, य है। तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा कि वृष्णि राजन्य गणस्य बहुत ही दुर्लभ सिक्का है, ये बहुत कम जगह पे पाया जाता है, लेकिन वो स्पष्टता से ये कह रहे हैं कि हमारा जो है ये जनपद है, हमारा गण जनपद है, राजन्य गणस्य जयहा ऐसे ये लोग लिखते हैं उस समय के। तो इस पर से पता चलता है उनकी व्यवस्था का, उसका एक रेखा चित्र है किस तरह से वो उस पे चिन्ह है यहाँ पे, ये इसको कुछ लोग सुदर्शन चक्र या चक्र कहते हैं, ठीक है चक्र ही है वो बात नहीं है, लेकिन ये हाथी और शेर ये सिंह इस पे दिखता है, और ये त्रिशूल जैसा जो लग रहा है। तो इस तरह का सिक्कों पे कभी कभार युग भी आ जाता है, शायद वो युग हो सकता है। अभी ये यौधेय जो थे पाणिनि ने उसका अष्टाध्यायी में इसका वर्णन किया है, उनका संदर्भ दिया है, यौधेय योद्धा जी भी बोले उन्होंने, ये युद्ध पे रहते थे यानी ट्राइब ये लोग थे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर आवाज आ रही है आपकी बिल्कुल। नहीं मुझे किसी का आपके यहाँ से फोन आ रहा है इसके लिए मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रही, इसके लिए मैंने आपको। तो देखिए कि ये जो यौधेय है तो उनकी जो युद्ध देवता जो थी वो कार्तिकेय थे, भगवान कार्तिकेय। तो यहाँ पे आपको कार्तिकेय दिखाई देंगे, इसको कट्यावलंबित कहते हैं, और उनके हाथ में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे कार्तिकेय जी का उस समय पे, ये बहुत ही पुराना सिक्का है, तो गुप्तों के जमाने में कार्तिकेय सिक्कों पे जो दिखाए है उनका वाहन मयूर है, लेकिन यहाँ पे उनका वाहन मयूर नहीं है, कॉक है। तो ये कॉक दिखाया गया है, बाद में पीकॉक बन गया है, तो ये बड़ा अलग चीज है, बड़े आश्चर्य वाली चीज है। लेकिन ये जो कार्तिकेय है इनके ये इर्द गिर्द में यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे एक इनका जो ये है लिपि है यौधेय गणस्य जयः या जय, यौधेय गण का विजय हो, ऐसे वो बीद यौधेयास ऐसा वो खुद ही कहते हैं, यौधेय गणस्य जयः, यानी वो कह रहे हैं हमारे, और इनका एक भी सिक्का आज तक राजा के नाम से मिला नहीं है। ये पूरा इनका बहुत सा सिक्का मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, और हरियाणा का एरिया में भी मिलता है, लेकिन ये सभी सिक्कों पे ये लोग खुद को यौधेय गण ही कहते हैं, हमारा गण जनपद है ये। अभी देखिए उसकी दूसरी जो ये चित और पट कहते हैं हिंदी में, तो ये दूसरी बाजू है उसकी रिवर्स, ऑबवर्स और रिवर्स। तो यहाँ पे षष्ठी नाम की देवता वहां पे दिखाई देती है। हमारे यहाँ जो देहात में आप देखिए सभी जगह पे सटवई नाम से एक लोक देवता है, षष्ठी कहते हैं, बच्चे के जन्म के बाद छठे दिन वो उसका भविष्य लिखती है, ऐसे कहते हैं कुछ लोग। तो वो जो है उसका वो पुरानी लोक देवता इस पे हमको दिखाई देती है, क्योंकि ये यौधेय जो थे उनमें एकदम स्ट्रांग बच्चों का ज्यादा महत्व रहता था, क्योंकि ये योद्धा जीवी थे, युद्ध पे उनका जीवन चलता था। तो उसके लिए ये देवी की वो शायद उपासना करते होंगे कि हमारे यहाँ पे जो कोई हो वो अच्छा हो, ठीक से उसको
वो रहे इस तरह से। ये अयोध्या गण जनपद के अयोध्या का परिसर में ये सिक्के हमको दिखते हैं, इस पे सत्यमित्र ऐसा लेख है। तो ये यदि राजा है फिर भी वहां का जो जनपद था उसके ये मोनार्किकल सिस्टम बाद में शुरुआत हो गया जिसको हम राजेशाही कहते हैं। अभी देखिए कि राज्य के आयाम रहते हैं, राज्य के बहुत से प्रकार रहते हैं। जैसे बर्टनस्टाइन नाम के एक स्कॉलर है, उन्होंने बोला है कि सेगमेंटरी स्टेट विभाजित राज्य का एक अलग चीज है। पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर रहता है, जनरल मोनार्किकल रहता है, रिपब्लिक रहता है। ये उस तरह से ये पुराने जमाने का वो अयोध्या का सिक्का है। ये पांचाल में भी इस तरह का हमको देखने को मिलता है। और पांचाली जिससे ओरिजिनली थी पांचाली, तो वो पांचाल एरिया। ये कुनिंदा के सिक्के हमको दिखाई देते हैं, बहुत ही बढ़िया सिक्का है। और ये कुनिंदा जो लोग थे वो हिमालय का हमारी बाजू का, भारत में हम जिस जगह साउथ इंडिया का जो उसका जो पार्ट है वहां पे ये कुनिंदा राज्य करते थे। और इनमें भी अमोघ भूति से राजा कुनिंदस से, यानी वो राजा है लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं कुनिंदा क्लैन से हूँ, कुनिंदा लोगों से हूँ। तो इस तरह से हमको एक ही, कभी कभार ऐसे भी दिखता है कि सिर्फ जनपद से वो सिक्का है, कभी कभार वो राजा के नाम से है। इस तरह के अभी तक के जो सिक्के हमने देखे, हमको थोड़ी समय की पाबंदी है लेकिन फिर भी वो देखे, वो सब गण जनपदों के थे। अभी देखिए कि हमारे देश में जैसे गण जनपद थे उस तरह से नगर राज्य भी थे। एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि कपिशा या अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पुष्कलावती, वाराणसी तो बहुत प्रसिद्ध है, कौशाम्बी है, एरकिन है ये मध्य प्रदेश में था, महिष्मती मध्य प्रदेश में था, उज्जैनी, विदिशा, त्रिपुरी, ये त्रिपुरी भी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का परिसर में है, ये अपना मेघालय वाला त्रिपुरी नहीं है। सुदवाप है, तगर है, तो इनके बारे में हम इन शॉर्ट देखेंगे। ये एरन विदिशा परिसर में हमको इस तरह के सिक्के, वेदी सय ऐसा एक इंस्क्रिप्शन आता है, उसका जो स्क्रिप्ट है विदिशा का है, वेदी सय यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वेदी सय। तो विदिशा का परिसर में ये जो नगर राज्य था विदिशा का, सिटी स्टेट, तो वहां पे हमको इस तरह के सिक्के दिखाई देते हैं। वो स्पष्टता से अपने सिक्कों पे कहते हैं कि ये सिक्का विदिशा का है। अभी देखिए ये कुरराय नाम से मध्य प्रदेश में भी एक था। तो ये लोग जो है ये अपने नगर राज्य का नाम, अपने जनपद का नाम उस पे ब्राह्मी लिपि में देते हैं। किसी का किसी बहुत सी जगह तौर पे ये गण जनपद का नाम भी नहीं आता, तो उसका सिर्फ सिटी का नाम वहां पे जो है वो आता है। उसमें देखिए ये बहुत ही दुर्लभ सिक्का है, बहुत ही दुर्लभ। और यहाँ पे ब्राह्मी में ऑन पर्पस यहाँ पे ब्राह्मी में लिखा हूं कि भरुकच्छ, यहाँ पे भरुकच्छ, भरुकच्छ ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में आता है, जैन लिटरेचर में आता है, सभी जगह पे आता है। बहुत ही पुराना बंदर था, हमारे यहाँ का पोर्ट था, उससे बहुत जगह पे व्यापार भी होता था। मोती चंद्र जी की बहुत अच्छी किताब है, अभी साहित्य अकादमी ने उसको प्रकाशित किया है हिंदी में, सार्थवाहक है के, उसमें इसका बहुत अच्छा ब्यौरा सब दिया गया है, उसको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है। तो ये भड़ोच जो है अभी अभी के गुजरात में, तो भड़ोच का भरुकच्छ जो है इसका सिक्का मिलता है, इसका मतलब ये भरुकच्छ जो था ये उस समय का नगर जनपद था। और ये नगर जनपद अपने उदाहरण के तौर पर देखिए वर्धा लिखा हुआ सिक्का मिला, तो ऐसा कैसा सिक्का मिल सकता है पुराने जमाने का? तो वर्धा का गांव का सिक्का नहीं है, तो वर्धा का वहां पे जो सब प्रशासन है वो लोग कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ रहता है। तो ये भरुकच्छ का सिक्का हमको इस तरह से, बहुत ही दुर्लभ सिक्का है, इस पे हमको ये कि इस तरह के नगर जनपद, नगर पद, ये सॉरी सिटी स्टेट जिसको कहते हैं, तो नगर जनपद भी आप उसको कह सकते, वो आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरह का एक महेश्वर जो है हमारा, अहिल्या देवी जी ने वहां पे बड़े घाट जो है वो तैयार किए हैं नदी पे, तो और भी जगह पे किए हैं, लेकिन महिष्मती, तो इस पे स्पष्टता के रूप से
महिस्मति या महिस्सति। अभी देखिए ब्राह्मी का जो ये म तो दिखाई दे रहा है, मही भी दिखाई दे रहा है, और ये स्म है या स है, कौन सा भी हो सकता है, लेकिन शायद ये स्म भी हो सकता है, स भी हो सकता है। महिस्मति यहाँ पे त दिखाई दिया है, तो ये आपको दिखाई देगा कि ये ब्राह्मी में यहाँ पे लिखा है महिस्मति। तो ये महिस्मति का जो नगर जनपद था, तो उसका नगर जनपद का वहां पे अस्तित्व था, और वो लोग कौन सा भी राजा का नाम भी है, जमान भी नहीं है, वो जो गांव है वहां पे जो उनका प्रशासन चलता था, जो सिस्टम चलता था, उसके ये सब नाम दे रहे। अभी दक्खन में देखे तो ये भरुकच्छ का हम बोले तगर है, और एक भद्रावती का एक सिक्का है आपके यहाँ पे, यानी में भद्रावती जो है उसका भी सिक्का मिला है। दुर्भाग्यवश मुझे अभी उसका फोटो नहीं मिला, लेकिन मेरे इसमें है। तो भद्रावती भदावती स ऐसा लेख उस पे आ जाता है। तो इस पर से ये पता चलता है कि ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी से लेके ईसा के तीसरी शताब्दी के बाद में ये लोग नहीं दिखते, लेकिन ईसा के पूर्व लगभग 600-700 साल ये लोगों का अस्तित्व हमको इनके सिर्फ सिक्कों के बेस पे पता चलता है कि यस दे वेर देयर, और उनका सिस्टम इस तरह का था। अभी ये जो गण जनपद तो खुद बोल रहे हैं हमारे गण जनपद है, हमारा गण जनपद का विजय हो, हम में कोई राजा नहीं है, वही लोग बोल रहे हैं। और ये इस तरह का भी देखिए कि ये जो स्थानीय सिक्के है तो वो नगर राज्य के है, वहां के सिटी स्टेट के है, या नगर जनपद जिसको कह सकते हैं, नगर राज्य के सिक्के हमको इस तरह से वहां पे देखने को मिलते हैं। मेरा समय, आपने जो मुझे समय दिया है वो अभी होने को है, इसके लिए मैं अभी इन शॉर्ट ये सिर्फ और एक बार इसके बारे में बोलता हूँ कि हमारे यहाँ के जो जनपद, पौर जनपद या नगर जनपद है और निगम है, ये लोगों का ज्यादा स्टडी हुआ नहीं है। ये हमारे इतिहास के उस समय के साक्ष्य है, ऐसा नहीं है वो भी कभी बदले हुए नहीं है, और वो अपने साक्ष्य बदलते भी नहीं, जैसे उस समय पे थे उसी समय से आज तक वैसे ही वो लोग सभी हमारे लिए उपलब्ध है। तो ये लोग हमको एकदम खात्री पूर्वक बता सकते हैं, एक फिक्सली बता सकते हैं कि उनके जो उनके लीजेंड्स है, उनपे जो लेख है और सिंबॉल्स है, उनपे जो चिन्ह है, उसपे वो बता सकते हैं कि हम उस समय पे यहाँ पे गण जनपद का अस्तित्व था, वो जनतंत्र था, कम से कम उनमें तो जनतंत्र था, ऐसी बातें ये लोग बोलते हैं। इसलिए मैंने इस विषय का चयन किया है। मेरा ये जो बात है, मैं सिर्फ सिक्कों के बारे में, उनके जो हम साक्ष्य कहते हैं उसके बेस पे बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो हमने अभी देखा कि यौधेय है, वृष्णी है, ये स्पष्टता पूर्वक कहते हैं कि हमारे गण जनपद का विजय हो, हमारा क्लैन है, हमारा टोटल, हमारा एक जनपद है, गण जनपद है, ऐसे ये बोलते हैं। इस तरह से हम वी कैन परसीव, दस वी डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ दिस पीरियड अलोंग विद द प्रोसेस इंडिकेटिंग द रेगुलर प्रेवेलेंस ऑफ जनतंत्र इन एंशिएंट भारत, प्राचीन भारत में इस तरह का ये चीजें जरूर थी, और इनको हम अनदेखा नहीं कर सकते, ये जो चीजें हैं इनको अनदेखा नहीं कर सकते, ऐसी बात है। तो इस बहाने मैं अभी हमारे ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके अध्यक्ष एवं आपके विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर रजनीश कुमार शुक्ल सर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्राप्त कर दिया। डॉक्टर नृपेंद्र प्रसाद मोदी सर मेरे से 2-3 दिन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से मेरा परिचय दिया, यानी स्पेशली मेरा परिचय से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो हिस्टोरिकल रिव्यू लिया वो मुझे बहुत उसमें आया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। श्री कादर नवाज खान पहले से इतना सिस्टमेटिक मैंने बहुत कम जगह पे देखा, मैंने आपको फ्रैंकली मैं बताता हूँ कि मैंने भारत के बहुत से एरियाज में लेक्चर्स दिए है, अंग्रेजी में दिए है, मराठी में भी कुछ जगह पे दिए, तो इतना सिस्टमेटिक मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं बोल रहा जो है मैं बोलता हूँ। तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट वेरी परफेक्ट कम्युनिकेशन, उनको मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो कंपेयरिंग कर रहे हैं, सूत्र संचालन कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।
और पत्रिका में जिनका नाम है तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए, उनको भी डॉक्टर आशा मिश्रा को धन्यवाद देता हूँ। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो है, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर, मेंबर सेक्रेटरी सचिव डॉक्टर उमेश कदम, ये दोनों का और उनके सभी टीम का मैं धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि ये योजना जो है तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, उनका संदर्भ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और उनके मेंबर सेक्रेटरी सचिव जी, इन दोनों का मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद उनको देता हूँ। और यहाँ पे आप सभी महानुभावों को विशेषता पूर्वक धन्यवाद देके यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार सर। सिक्कों की एक अपनी भाषा है जिसके माध्यम से हम सब दस को समझ सकते हैं। प्रोफेसर पद्माकर प्रभुड़े सर, आपके इस सारगर्भित सुपूर्ण और ज्ञानपूर्ण व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार सर। आपके इस व्याख्यान से हमें और हमारे विश्वविद्यालय के शोधार्थियों, विद्यार्थियों और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सुधीजनों को निश्चित रूप से बहुत लाभ मिला। बहुत सारी चीजों की आपने चर्चा की जो आज आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, जैसे राइट टू चर्चा की, रूल ऑफ लॉ को भी हम लोग खोजें थे इस मरने में, जैसे चाणक्य की जो नीति थी वो रूल ऑफ लॉ ही स्थापित करने चाहते थे। उत्तरदायित्व के जो सिद्धांत थे, शासन उत्तरदायित्वपूर्ण हो, वो सारे उपस्थित थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से आग्रह करता हूँ कि सर आप आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शित एवं लाभान्वित करें। आदरणीय सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरी आवाज मिल रही है? जी सर मिल रही। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर पद्माकर प्रभुनेश सर का कि उन्होंने भारत लोकतंत्र की जननी, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस अवधारणा को वाक्यों से नहीं, जिसको अकाट्य रूप से समझा जा सकता है, उन सिक्कों के बहाने, उन सिक्कों की जुबानी, उन सिक्कों के बदलते रूप, परिवर्तित होते रूप, उनकी विविध यात्राओं, वह वाणिज्यिक यात्रा होगी या सामरिक यात्रा होगी, उन सभी प्रकार की यात्राओं को रखते हुए लोकतंत्र का, विशेष करके महाजनपदकालीन लोकतंत्र का एक विहंगम चित्र खींचा है। ये सच है कि पुरातात्विक सामग्रियों में भी सिक्के वो रिमेन्स जो सर्वाधिक प्रामाणित होते हैं, और विशेष करके इस देश का सौभाग्य यह रहा है कि इतिहास के एक बड़े लंबे हिस्से में धातु के सिक्कों के विविध ऐसे धातुओं से बने हुए सिक्के पाए जाते हैं जो बिना किसी क्षरण के, विदाउट एनी डिजेनरेशन, आज भी पढ़े जा सकते हैं। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर के और अभी तक जो अहत सिक्कों, पंचमार्ग सिक्कों, सिक्कों से लेकर के अभी तक के जो हम मेमोरियल क्वाइंस निकाल रहे हैं, इनकी यात्रा को किया जाए तो यह राज्य व्यवस्था की झलक तो देते ही है, संस्कृति की भी झलक, संपूर्ण जीवन व्यवस्था को और जीवन स्तर को भी प्रस्तुत करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। सिक्कों में कम शब्दों में जब से लिखना प्रारंभ हुआ,
जब से इटवा सिक्कों आहत तो पंचमार्ग सिक्कों के बाद सिक्कों की ढलाई प्रारंभ हुई, उनको रूप देना, उनको आकार देना प्रारंभ हुआ, तब से कुछ कुछ लिखे जाने की भी परंपरा बनी। कहीं वो आहत तो लिपि है, कहीं वो ढलाई। अब इसके आधार पर एक बात तो निकलती है कि एक कालखंड था जब ढलाई नहीं हो रही थी, सिक्के आहत तैयार हो रहे थे, लिखने की प्रक्रिया उस रूप में प्रारंभ नहीं हुई थी, वह भी स्क्राइब ही हो रहा था, खरोंचा ही जा रहा था, और लिपि धारणा शायद नहीं विकसित हुई थी, लेपन व्यापार यानी ब्रश से लिखे जाने की व्यवस्थाएं नहीं विकसित हुई थी। इस प्रकार की अवधारणा है, क्योंकि सिक्के ये ठीक है कि आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं और वो बदलते नहीं है, लेकिन मनुष्य है कि उसमें इंटरप्रिटेशन के लिए जगह तो आई है, उसे व्याख्या के लिए जगह तो आई है। पर बहुत दिनों बाद सिक्कों को लेकर के वैसे तो निवेशक बहुत व्यवस्थित ज्ञान है और इस पर बहुत सारा काम है, भारतीय इतिहास को इसका योगदान भी होता है, पर एक पॉजिटिव अप्रोच में और विशेष करके लोकतंत्र जैसी विशिष्ट अवधारणा को समझने की दृष्टि एक अच्छा व्याख्यान को सुनने को मिला है। इसलिए डॉक्टर प्रभु ने आपको फिर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस अवसर पर एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, सिक्के भी मौन है, अधिकतम सिक्के मौन है, इसलिए इन सिक्कों का जो से जो आख्यान बनना है वो आख्यान उस काल के लिटरेरी सोर्सेस से ही है। सिक्के मौन की भाषा में कुछ कह रहे हो और आख्यान वाक और शब्द की भाषा में कुछ और कह रहे हो, ऐसा होगा तो कुछ भी निश्चित करना कठिन है। इसलिए इन सिक्कों को लिटरेरी सोर्सेस से और लिटरेरी सोर्सेस को इन सिक्कों के विकास से और इन सिक्कों से जो अभिव्यक्त हो रहा है व्यंजित हो रहा है मैनिफेस्टेड रियलिटी, उस मैनिफेस्टेड रियलिटी को समझने की दृष्टि से विचार तो करना। मैं इस पर बड़ी मजेदार बात कहूंगा कि भारत के इतिहास को इन सिक्कों के भरोसे कितना छोड़ा गया है, इसमें भारत के इतिहास का एक सार्वकालिक महान सम्राट है लंदन, गुप्ता पीढ़ी के नाम से जिसको जानते हैं। एक लंबा समय रहा 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक, ललितादित्य को राजतरंगिणी में उसके व्यापक चर्चा होने के बाद भी, ये कहा जाता राजतरंगिणी में अति संयोगपूर्ण वर्णन हुआ, इससे दो बातें हो रही थी, एक तो ललितादित्य अप्रामाणिक हो रहा था और दूसरी तरफ राजतरंगिणी का समस्त इतिहास भी इपिक के रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसमें सबसे बड़ा तर्क था की दृष्टि से बात करें, मारदंड का सूर्य मंदिर तो सामने था, उससे ज्यादा बड़ा कोई प्रमाण स्थापत्य रचना की दृष्टि से किसी सम्राट के कालखंड का दिया जाए संभव नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य था कि ललितादित्य के नाम से कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ, प्रतापादित्य के नाम से प्राप्त हो रहे थे। ललितादित्य जिसने प्रतापादित्य विरुद्धावली स्वीकार की थी, लेकिन ललितादित्य और प्रतापादित्य इन दोनों के नामों का कहीं संयुक्त किसी सिक्के में प्रयोग न होने के कारण से इतिहास के व्याख्यान में प्रतापादित्य अलग हो रहा था, ललितादित्य अलग हो रहा, और ललितादित्य गायब हो रहा तो भारत स्पेन तक शासन किया है ये इतिहास से गायब हो, भारत ने बीजिंग पार ये इतिहास से गायब हो रहा था, भारत एक कालखंड में कश्मीर की लेह की लद्दाख की चोटियों से लेकर के और कन्याकुमारी तक एक साम्राज्य के रूप में रहा है, ये भारत का गौरवशाली इतिहास गायब हो रहा। लेकिन संयोग से ललितादित्य किंबा प्रतापादित्य सिर्फ इतना लिखा हुआ एक सिक्का प्राप्त होता है। हम लोग सब भाग्यशाली है कि वह सिक्का भी नासिक के अपने मिंट में सुरक्षित है।
तो उसके आधार पर पूरा भारतीय इतिहास परिवर्तित होता है। एक सिक्का किस प्रकार से भारतीय इतिहास को परिवर्तित कर देता है, इसका एक उदाहरण है। महाजनपद काल जिनके बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, उनकी राज परंपराओं के बारे में, उनके राजाओं के नाम, क्योंकि गणतांत्रिक पद्धति से होता था, इन सबको समझा जाना कठिन था। पाली के नाम से उसकी चर्चा पूरी प्रक्रिया ही आती है, गणपूर्ति कैसे होगी, सलाखा गणना कैसे होगी, मतदान कैसे होगा, किस प्रस्ताव उपस्थित किए जाएंगे, किस प्रकार से संकल्पों पर चर्चा होगी और किस प्रकार से अंततः संकल्प पूर्णता को प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ लिटरेरी सोर्सेज में प्राप्त है। किंतु न्यूमिस्मेटिक की दृष्टि से उस पर बहुत बड़ा काम नहीं, उससे कठिनाई हो रही थी। धन्यवाद दूंगा हमने आपको कि इस दिशा में जो काम बाद के दिनों में बढ़ा हुआ है उसको आपने 72 से आगे बढ़ाया, उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर दिया है और उन सिक्कों के आधार पर महाजनपदों की केवल हिस्ट्री को ठीक करने की कोशिश नहीं की है, उनकी ज्योग्राफी को भी समझने की कोशिश की। तो एक भौगोलिक और इतिहास की दृष्टि से मैं बड़े ध्यान से आपको सुन रहा हूं। तो मुझे यह लग रहा है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो महाजनपदों में, विशेष करके जनपदों के गणराज्यों में, जब पूरी दुनिया केवल तलवार के बल पर सत्ता स्थापित हो सकती है, इस प्रकार की अवधारणा के बल केवल ताकत के आधार पर राज्य सत्ता बनाई जा सकती है, शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है, दंड और पुरस्कार की गवर्नेंस का कोई दूसरा तरीका नहीं है, उस समय भारत के अंदर विभाजन, मतदान, वाद विवाद, बहस और अंततः चर्चा वाद विवाद के बाद एक मत पर पहुंचने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया कुछ काल्पनिक सी लगती थी, कविता सी लगती थी, पर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और उन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के साथ सिक्कों के का जो कोहरेंस बना है, उन सिक्कों की जबानी ट्रेडी सोर्स जब प्रमाणित होता है तो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसको आज हम जिसकी चर्चा करते हुए गौरवान्वित होते हैं कि दुनिया में जब केवल मत से न्याय चल रहा था, केवल ताकत के आधार पर राज्य सत्ता और सरकारें निर्मित हो रही थी, हमने बौद्धिक संपदा के आधार, बौद्धिक क्षमता के आधार और व्यक्ति के अस्मिता को स्वीकार करते हुए उसकी स्वतंत्र इयत्ता को राज्य सत्ता में अभिव्यक्त होने के लिए पब्लिक बिल के रिफ्लेक्शन का, पब्लिक बिल के मैनिफेस्टेशन का जो रास्ता बनाया था, वह रास्ता दुनिया भर में लोकतंत्र के विकास का पथ, दुनिया की श्रेष्ठतम लोकतांत्रिक परंपराओं में जिन जिन मर्यादाओं की बात होती है और जिन जिन जन के अधिकारों की बात, गण के अधिकारों की बात, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो या कोई और गणतंत्र, उनमें एक गण के, जन के अधिकार, उसकी क्षमता, उसकी जिम्मेदारियां, उसके दायित्व और सभाओं और समितियों में, विधि निर्माण की संस्थाओं में, विधि निर्माण की संस्थाओं में निर्मित विधि के अनुपालन में जो भूमिका बनती है, वो भूमिका आज स्पष्ट होकर के रही है। मुझे विश्वास है आज की चर्चा इतिहास, संस्कृति, दर्शन, राजनीति शास्त्र सहित समाज विज्ञान विविध आयामों के साथ साथ ये भारत के लोकतांत्रिक ताकत और इस ताकत के मूल स्रोतों को समझने में सहायक। मैं बात करना चाहता हूं, जब तो सिक्कों के जुबानी जब देखने की कोशिश की गई तो मुझे भारत का वर्तमान संविधान और उसके मूल प्रति याद आ गई।
दुनिया भर में संविधान बनाने की जो यूएसए के संविधान की प्रक्रिया निर्मित हुई थी वो टेक्स्ट में ही बना। भारत ने एक संविधान बनाया जिसमें टेक्स्ट भी है, स्टैट्यूट भी है, लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो राम राज्य की, राम दरबार की अवधारणा से आता है, वो कुरुक्षेत्र की अवधारणा से अब आता है, वो भिक्षु संघों के चित्र से आता है। जहां हम निर्वाचन चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं वहां भिक्षु संघ की बात कर रहे हैं, जहां पर हम यूनियन की बात कर रहे हैं वहां भिक्षु संघ का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं वहां राम दरबार का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां तत्वों की बात कर रहे हैं वहां कुरुक्षेत्र और कृष्ण के उपदेश को प्रतिरूपित कर रहे हैं। यह भारत की अवधारणा है लोकतंत्र की व्यवस्था के साथ किस प्रकार से सापत्य रहती है और क्यों भारत में संविधान, इस बड़े संविधान में 22 चित्र, हर अध्याय को एक चित्र से जोड़ा गया या हर अध्याय के प्रारंभ में एक चित्र के निर्मित की गई और उसके बाद टेक्स्ट प्रारंभ करने आरंभ हुआ, उसको आज इन सिक्कों की जवानी जब गणतंत्र की कहानी हम पढ़ रहे थे, लोकतंत्र की कहानी पढ़ रहे थे, तो यह स्पष्ट हुआ है। और यह भी हमारी हमारा सांस्कृतिक उत्तराधिकार है। हम यह भी जो कर रहे थे कुछ नया नहीं कर रहा था, सिक्कों के माध्यम से, प्रशस्ति पत्रों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से भारत का लोकतंत्र किस रूप में व्यक्त हुआ है और उस काल के साथ किस प्रकार से इन सभी प्रकार की कृतियों का, सभी प्रकार की रचनाओं का सातत्य बनता है और आज तक बना हुआ है, ये समझने में भी सुविधा हुई है। इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को पूरा। बहुत बहुत आभार सर। ज्ञान की सभी विधाओं पर और सभी विषयों पर सर आपकी जो मजबूत पकड़ है और जो भारतीय जीवन पद्धति से जोड़ने की जो आपकी अद्भुत शैली है, उस शैली से हम जैसे सामान्य विद्यार्थी लगातार एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं और ये हम लोग का सौभाग्य है कि ये लगातार नई दृष्टि, आज न्यूमिस्पेटिक पे बात हो रही थी उसमें भी वो शैली और इस तरह की नई बातें सर के व्याख्यान से, अध्यक्षीय उद्बोधन से हम लोग को प्राप्त हुई। बहुत बहुत आभार सर। अब कार्यक्रम अपने संपूर्ति की है, मैं कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन हेतु राजनीति शास्त्र विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशा मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर आशा मिश्रा जी। धन्यवाद विजय जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के राजनीति शास्त्र विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा भारत लोकतंत्र की संकल्पना के अंतर्गत आयोजित व्याख्यान जिसका विषय है जनतंत्र की कहानी, गढ़ जनपदों की जुबानी, सिक्कों की जुबानी में आज यहाँ विश्वविद्यालय में एकत्रित सभी माननीय गणमान्य अतिथियों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। अब मैं आभार के क्रम में आगे बढ़ती हूँ और सर्वप्रथम मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के परम आदरणीय श्रद्धेय कुलपति महोदय को, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी को, जिनके प्रयास से और जिनके आशीर्वचन से इतना ज्ञान वर्धक कार्यक्रम आयोजित हुआ, हम लोग इससे लाभान्वित हुए। आदरणीय सर जी को मेरा हृदय से आभार। इसी क्रम में मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सिटी बोरा कॉलेज पुणे के एसोसिएट प्रोफेसर पद्माकर प्रभुड़े जी के प्रति, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और एक ज्ञान वर्धक कार्यक्रम से हम लोगों को अवगत कराया। सिक्के वास्तव में इतिहास की कहानी है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिक्कों के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कुलपति द्वय आदरणीय प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी के प्रति एवं प्रोफेसर
चंद्रकांत रागिट सर जी के प्रति जिनका सहयोग हमारे लिए अतुलनीय है। मैं इसी क्रम में हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ संकाय प्रमुख प्रोफेसर अनिल राय जी के प्रति जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ प्रोफेसर नृपेंद्र मोदी सर जी का जिन्होंने एक अभिभावक के रूप में हम लोगों को अपना सहयोग दिया। सर आपका हृदय से आभार। इसी क्रम में मैं आभार व्यक्त करती हूँ हिंदी विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्षों सभी विभागाध्यक्षों सहायक आचार्य सह आचार्य आचार्यों एवं सभी जितने श्रोतागण हैं विद्यार्थी सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज के अकादमिक निदेशक प्रोफेसर अखिलेश कुमार दुबे जी का जिनके सहयोग के कारण हम वर्धा और प्रयाग को एकजुट कर पाते हैं और इस कार्यक्रम में शरीक हो पाते हैं। इसी क्रम में मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपनी तकनीकी टीम का जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों के कुल गीत का संचालन प्रसारण किया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मिश्र जी का जिन्होंने भारत वंदना बहुत ही मधुर शब्दों में प्रस्तुत किया। और मैं यहाँ से आभार व्यक्त करती हूँ जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाई उन सभी का जिनकी स्मृति मुझे नहीं याद आ रही इस समय उन सबके प्रति भी आभार जयेंद्र जी का आभार। और अंत में मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने छोटे भाई विजय सिंह जी का जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कुशल संचालन किया समय की बचत की और बहुत ही सीमित शब्दों में सब कुछ व्यक्त किया। सबका हृदय से आभार धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत आभार दीदी। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम की संपूर्ति की घोषणा करना चाहता हूँ। जी अनुमति है कार्यक्रम की संपूर्ति होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।